दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्त, कार्बन के 6 ग्राम में उपस्थित मोल का कितना संख्या होगा। तो हम जानते दोस्त कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास। तो दिया गया मास कार्बन का 6 ग्राम है, तो ऊपर में दिया गया मास के रूप में 6 ग्राम लिख दिए और कार्बन का मोलर मास, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। तो जब एटॉमिक मास का वैल्यू को ग्राम में लिख देते हैं तो वही हमारा मोलर मास कहलाता है। और हम जानते हैं मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। तो कार्बन का मोलर मास हो जाएगा दोस्त 12 ग्राम, ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया, राम राम, तो बोलिए जय श्री राम। अब यहां पर देखिए दोस्त, ग्राम ग्राम तो कैंसल आउट हो गया, 6 दुना हो गया 12 और ऊपर में बचा 1, तो 2 को 1 से भागा दीजिएगा तो 0.5 आएगा। और मोल निकाल रहे हैं तो यहां पर यूनिट के रूप में मोल लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका दोस्त 0.5 मोल, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्त, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे ज्यादा है। उसी को दोस्त हिंदी में लिखा गया है कि निम्नलिखित में किसका वजन सर्वाधिक है। अब यहां पर देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले जानते दोस्त ये ग्राम एटम क्या होता है। तो जिस तरह हम दोस्त जानते हैं कि मद्रास को पहले चेन्नई के रूप में जाना जाता था, उसी तरह ग्राम एटम को पुराने जमाने में मोल के रूप में जानते थे। तो यहां पर लिख दिया मोल। तो एक मोल नाइट्रोजन एटम का वैल्यू लिखना है। तो हम जानते हैं दोस्त नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, यहां पर लिख देंगे हम लोग 14। और इसका मतलब कि एक मोल नाइट्रोजन एटम, तो मोल बड़ा पार्ट है, तो बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट के रूप में ग्राम यूज करेंगे, यहां पर लिखिए ग्राम। तो 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन का वैल्यू आ गया 14 ग्राम। नेक्स्ट हमारा दोस्त 1 मोल ऑफ वाटर। तो हम लोग जानते हैं दोस्त वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और वाटर आपका 2 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कंपोनेंट हाइड्रोजन है, दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास आपका 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। हाइड्रोजन का 2 एटम है, गुना 2 लिखिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए, पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 लिखिए। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो गुना 1 लिखिए। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 और 16 हो गया आपका 18। और वाटर का 1 मोल का मास निकालना है, इसलिए यूनिट के रूप में दोस्त ग्राम यूज करेंगे। यहां पर दोस्त वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल का मास 18 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल वाटर का मास हो गया दोस्त 18 ग्राम। तो यहां पर लिख दिए हम 18 ग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दोस्त 1 मोल सोडियम एटम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास आपका 23 होता है। तो एटॉमिक मास के वैल्यू को जब ग्राम में लिखते हैं तो वही हमारा 1 मोल सोडियम एटम का मास हो जाएगा। तो 1 मोल सोडियम का वैल्यू आ गया हमारा दोस्त 23 ग्राम।
फिर दोस्त एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास, तो एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्त मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम जानते हैं दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर है, तीसरा आपका ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का एटम है, एक सल्फर का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 लिख दिए, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए, हाइड्रोजन से सल्फर के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है तो 32 लिख दिए, सल्फर का 1 एटम है तो गुना 1 लिख दिए, सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए, ऑक्सीजन का 4 एटम है तो यहाँ पर गुना 4 लिख दिए, एक को 2 से गुना किए तो 2 प्राप्त हुआ, 32 एकम 32 हो गया, 64 जा 64 हो गया, तो 4 दो 6 और 2 हो गया आपका 8, यहाँ पर लिख दिया 8, 6 और 3 हो गया आपका 9, तो हो गया 98। और एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का लिखना है, तो देखिए दोस्त एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक तरह का छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं, तो छोटा यूनिट के रूप में एटॉमिक मास यूनिट चाहे यूनिफाइड मास का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 98 एटॉमिक मास यूनिट या 98 यूनिफाइड मास। तो एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास हो गया दोस्त 98 यूनिफाइड मास। यहां पर देखिए दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड का एक एटम का मास है 98 यूनिफाइड मास, और ये सभी हमारा एक मोल का मास, तो एक मोल का मास बहुत ही बड़ा मास होता है कंपेयर टू एक मॉलिक्यूल मास की तुलना में। तो सबसे ज्यादा वजन हमारा एक मोल सोडियम एटम का होगा, जिसका वैल्यू हमारा 23 ग्राम है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त बोलता है कि वह परमाणु जिसके पास मास नंबर एक जैसा हो लेकिन अलग अलग हो एटॉमिक नंबर वह कहलाता है। देखिए दोस्त आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, और जिसका आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं आइसो बार। ऑप्शन नंबर सी आइसोटोन, आइसो का मतलब सेम, अटोन का मतलब न्यूट्रॉन, जिस एटम का न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर अलग अलग हो तो उसे हम दोस्त आइसोटोन कहते हैं। आइसोकोर का मतलब है दोस्त जिसके पास सेम हो वॉल्यूम उसको बोलते हैं आइसोकोर्स, तो जिसका पास सेम है मास नंबर और डिफरेंट है हमारा एटॉमिक नंबर तो वह हमारा दोस्त आइसोबार कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आइसोबार हमारा फुल एचडी में सही होगा। और दोस्त नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं, देखिए दोस्त नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा बोलता है सोडियम कार्बोनेट के 10.6 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होगी। यहां पर देखिए दोस्त हम लोग एक हॉट फॉर्मूला का यूज करेंगे, वह फॉर्मूला है हमारा दोस्त H
फॉर्मूला है हमारा दोस्त, नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास गुना अवोगैड्रोज नंबर इनटू एक्स। एक से हमारा दोस्त नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में परमाणु की संख्या को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स लिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, दिया गया मास हमारा है 10.6 ग्राम। यहां पर हम लोग 10.6 ग्राम लिख दिए। अब हम लोग को मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का निकालना है। यहां पर देखिए दोस्त, मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का निकालने जा रहे हैं। मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का निकालना है। यहां पर देखिए दोस्त, सोडियम कार्बोनेट आपका तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक सोडियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है और एक आपका ऑक्सीजन का एटम है। जहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास आपका 23 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास आपका 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो यहां पर लिख दिए 23। सोडियम का दो एटम है तो गुना दो लिख दिए। सोडियम से कार्बन के पास गए तो यहां पर पॉजिटिव साइन का यूज किए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, यहां पर लिख दिए 12। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, यहां पर 16 लिखिए। ऑक्सीजन का तीन एटम है तो यहां पर गुना 3 लिखिए। 23 को 2 से गुना किए तो 46 प्राप्त हुआ। 12 एकम 12, 16 48 हो गया, तो यहां पर लिख दिए दोस्त 48। और यहां पर देखिए दोस्त, 8 10 10 6 हो गया आपका 16। 16 के लिए 6 लिख दिया, हाथ में बचा आपका 1। 4 और 1 5 6 और 4 हो गया 10, यहां पर लिख दिए 10। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास हो गया दोस्त 106 ग्राम। यहां पर दोस्त मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम है, तो यहां पर 106 ग्राम लिख दिए। अवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू हो गया 6.022 गुना 10 का पावर 23। और सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन एटम का संख्या निकालना है, तो सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन एटम का संख्या है 3 ऑक्सीजन, तो एक के जगह पर गुना 3 लिख दी। अब देखिए दोस्त, ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया राम राम, तो बोलिए जय श्री राम। अब यहां पर देखिए दोस्त, ऊपर में डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, तो नीचे में 10 लिखिए। ऊपर में बचा 106 और नीचे में 106, तो 106 106 सेम टर्म होने की वजह से कैंसल हो गया। अब देखिए दोस्त, ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में एक घटा देगा, तो 23 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 22। ये हमारा बच गया दोस्त, ये बच गया हमारा 10 का पावर 22, 10 का पावर 22 लिख दी। अब 3 को 2 से गुना किए तो 3 दूना 6 आया, फिर 3 दूना 6 आया, तीन को 2 से किए फिर 6 आया। 3 0 0 प्यार की धूम, मतलब जब 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो यहां पर लिख दिए 0। 3 6 18 हो गया, यहां पर लिखिए दोस्त, यहां पर लिखिए हम 18। 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहां पर दोस्त 3 अंक के बाद डेसिमल देने जा रहे हैं, 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। 3 अंक के बाद यहां पर दे दिए डेसिमल पॉइंट। 10 का पावर 22 था तो 10 का पावर 22 लिख दी। अब इस डेसिमल पॉइंट को
दाया से बाया एक अंक आगे लाने जा रहे हैं, सो पावर में एक जोड़ देंगे। ये वैल्यू हो गया हमारा 1.8066 इंटू 10^23। ये हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर सी है, 1.806 इंटू 10^23। इस क्वेश्चन का सोडियम कार्बोनेट के 10.6 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन एटम का संख्या होगा आपका 1.806 × 10^23। हम दोस्त नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, बोलता है कि परमाणु की संख्या किसके पास सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर वन है हमारा दोस्त 24 ग्राम कार्बन। देखिए दोस्त, हम जानते हैं दोस्त कि नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स के। अगर परमाणु का संख्या ज्यादा होगा तो मोल का संख्या भी आपका ज्यादा होगा। अब यहां पर देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होगी दोस्त मास बटा मोलर मास। तो मास है हमारा 24 ग्राम, यहां पर लिख दिया 24 ग्राम। कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, यहां पर लिख दिया 12 ग्राम। ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया राम राम, 12 × 24 यहां पर आ गया हमारा 2 मोल। तो 24 ग्राम कार्बन के पास परमाणु का संख्या 2 मोल होता है। ऑप्शन नंबर बी में आते दोस्त, 56 ग्राम आयरन का निकालना है, तो नंबर ऑफ मास बराबर हो गया गिवन मास बटा मोलर मास। तो दिया गया मास 56 ग्राम है, यहां पर लिख दिया 56 ग्राम, और आयरन का मोलर मास है 56 ग्राम, यहां पर 56 ग्राम से भागा दिए, ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया राम राम, 56 × 56 यहां हो गया 1 मोल। तो 56 ग्राम आयरन के पास 1 मोल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो गया दोस्त मास बटा मोलर मास। एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम, यहां पर लिख दिए 27 ग्राम, और एल्यूमिनियम का मोलर मास हो गया 27 ग्राम, यहां पर लिख दिए 27 ग्राम। ग्राम ग्राम राम राम हो गया, 27 × 27 ये हो गया हमारा 1 मोल। फिर हम लोग को दोस्त 108 ग्राम सिल्वर का नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल बराबर हो गया मास बटा मोलर मास, तो सिल्वर का मास है 108 ग्राम, यहां पर लिख दिए 108 ग्राम, और सिल्वर का मोलर मास होता है 108 ग्राम, यहां पर लिख दिए 108 ग्राम। ग्राम ग्राम राम राम हो गया, 108 को 108 से किए तो 1 आया, यहां पर 1 मोल प्राप्त हुआ। तो 108 ग्राम सिल्वर के पास 1 मोल परमाणु का संख्या होता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में दो सबसे ज्यादा 2 मोल है, तो 2 मोल का मतलब ये 2 × 6.022 × 10^23 परमाणु। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए में 24 ग्राम कार्बन के पास 2 मोल है, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स 24 ग्राम ऑफ कार्बन के पास पाए जाए। और दोस्त नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बराबर, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका दोस्त 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका सल्फर और दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन, जहां पर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8
एटॉमिक मास आपका 16 होता है, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, यहाँ पर लिखिए दोस्त 32। सल्फर का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का दो एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 2, तो 32 से कम 32 और 16 दुना 32, तो 32 प्लस 32 हो गया 64, यहाँ पर लिख दिए 64। और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है यूनिफाइड मास चाहे एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पर 64 यूनिफाइड मास हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका दोस्त 64 यूनिफाइड मास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 64 यूनिफाइड मास फुल एचडी में सही हो। आओ दोस्त नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा दोस्त अमोनिया के 8.5 ग्राम में हाइड्रोजन एटम का संख्या क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्त हम जा रहे दोस्त अमोनिया कंपाउंड है, कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम का संख्या निकालने बोल रहा है, तो हम लोग दोस्त इस हॉट फॉर्मूला का यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटा मोलर मास गुना अवोगैड्रोज नंबर गुना एक्स। एक्स हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में परमाणु की संख्या को यहां पर एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए दोस्त अमोनिया का दिया गया मास 8.5 ग्राम है, यहां पर लिख दिया हम 8.5 ग्राम, और मोलर मास निकालना है हमको अमोनिया का। यहां पर देखिए दोस्त मोलर मास हम लोग को अमोनिया का निकालना है, मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया आपका दोस्त दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, पहला कंपोनेंट नाइट्रोजन और दूसरा कंपोनेंट आपका हाइड्रोजन, जहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 हो गया तो यहाँ पर लिख दिए 14, नाइट्रोजन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो यहाँ पर लिख दिए 1, हाइड्रोजन का 3 एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 3, 14 एकम 14 हो गया, 1 को 3 से गुना किए तो 3 आ गया, 14 प्लस 3 हो गया आपका 70, और एक मोल का मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ अमोनिया हो गया हमारा 17 ग्राम। तो अमोनिया का मोलर मास हो गया 17 ग्राम, तो यहां पर लिख दिए 17 ग्राम। अवोगैड्रो नंबर का वैल्यू हो गया 6.022 गुना 10 का पावर 23, और अमोनिया में हमको हाइड्रोजन एटम का संख्या निकालना था, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर गुना 3 लिख दें, ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम तो ग्राम ग्राम तो क्या आपका राम ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ऊपर में 85 नीचे में 17 है, तो 17 बचे 85 हो तो 7 बचे 35, 5 से 5 और 3 8, 17 को 5 से गुना किए दोस्त 17 बचे 85 होता है, ऊपर में डेसिमल है इस डेसिमल को हटाएंगे तो बटा में 10 आएंगे, ऊपर में 85 17 पचे 85 मतलब 5 बार में कटा, यहाँ पर 5 लिख दिए, ये 10 है ऊपर में 10 का पावर 23 है, यहाँ पर ये 0 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्त 23 में से 1 गया तो बच गया 22, यहाँ पर बच जाएगा 10 का पावर 22, 5 को 3 से गिना किया तो 15 आ गया, 15 दुना 30 क्या हाथ में 0 सॉरी 0 हाथ में 3, 15 दुना 30 30 का 3 33 का 3 हाथ में 3, 15 शून्य 0 तो हाथ में 3 बचा 3 लिख दिए, 15 6
15 को 6 से गुना किए, 6 5 30 0 हाथ में 3, 6 और 3 हो गया आपका 90, 15 6 हो गया तो 90, यहां पर लिख दिया हम 90। 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहां पर 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट देने जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा दोस्त डेसिमल पॉइंट। 10 का पावर 22 था तो 10 का पावर 22 लिखी, इस डेसिमल पॉइंट को दाएं से बाएं एक अंक आगे ला रहे तो पावर में एक जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 9.0330 गुना 22 और 21 हो गया, मतलब 10 का पावर 23। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का नाम दोस्त, अमोनिया के 8.5 ग्राम में हाइड्रोजन एटम का संख्या क्या हो सकता है, तो वह संख्या हमारा दोस्त 9.0330 10 का पावर 23 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ट न्यूमेरिकल खत्म हुआ। तो दोस्त काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।